क्लास टेंथ एसएसटी फेडरलिज्म। इन माय प्रीवियस डे सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म कि भाई फेडरल कंट्री की स्थापना के तरीके क्या क्या है, जिसमें हम लोगों ने पहले तरीके की चर्चा पिछली कक्षा में की। क्या था, मैं हल्का मैं ब्रशअप कर रहा हूँ। उसमें मैंने क्या चर्चा किया था, आई टोल्ड इट टू यू कि भाई इन दिस काइंड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फेडरल कंट्री और स्टेट, बड़े स्तर पे पॉलिटिकल साइंस में स्टेट ही बोला जाता है लेकिन अब उसको कंट्री बोलिए आप लोग आसानी से समझने के लिए, तो उसमें किया क्या जाता है कि भाई दो तीन चार जो बड़े बड़े राज्य हैं वो अपनी संप्रभुता का ध्यान रखते हुए, वो अपनी सोवर्निटी का ध्यान रखते हुए एक होते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि हर राज्य की अपनी शक्ति होती है, प्रबल शक्ति होती है। क्यों होती है, ताकि वो अपनी सोवर्निटी को बचा कर रखे, ताकि वो अपनी सोवर्निटी को बचा कर रखे। और उसके बाद एक बड़े राष्ट्र का निर्माण होता है और फिर शासन प्रणाली चलती है। दूसरा की पॉइंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, अगर वह सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इन दैट काइंड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ फेडरल कंट्री कि स्टेट गवर्नमेंट के पावर कम होंगे, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने पावर को बचाए रखती है। क्यों, क्योंकि अगर उसका अधिकार घटेगा तो सोवर्निटी घटेगी, संप्रभुता घटेगा। तो संप्रभुता बरकरार रखने के लिए राज्य के भी जो अधिकार होते हैं, स्टेट्स के भी जो अधिकार होते हैं, वो कम नहीं किए जाते। और मैंने उदाहरण दिया था कि यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर एन एग्जाम्पल विच इज हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ फेडरल कंट्री फॉर्मेशन। और मैंने कहा था क्या कि मैं अगली कक्षा में चर्चा करूंगा दूसरे टाइप कि दूसरा टाइप क्या है। पहला टाइप में तो ठीक है सर कि ये है और ये है, इसका भी अपना वजूद है, इसका भी अपना वजूद है, ये दोनों मिल गया, एक पैकेज हो गया, अब इसको सम्मिलित तौर पे जानेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका वजन कम है या इसका वजन कम है। दोनों अपना अपना संप्रभुता का ध्यान रखेगा लेकिन एक हो विकास। लेकिन जो दूसरा तरीका है, जो दूसरा वे है, उसमें क्या होता है कि बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ फेडरल फॉर्मेशन जो होता है, संघ का निर्माण होता है, उसमें देश जो है, कंट्री जो है, अपने इंटरनल इनइक्वालिटीज और विविधता, मतलब अपनी आंतरिक विविधताओं को, मतलब क्या है, कहाँ का क्या प्लस है, कहाँ का क्या माइनस है, डिफरेंसेस क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया जाता है और फिर राज्य और केंद्र के बीच में सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। अभी एक बात है, एक चर्चा है भारत के विषय में ही बताओ। भारत दूसरा प्रकार का क्यों मैं कहता हूं, जैसे आपको जानकारी होगी सुवर्णिति संप्रभुता, अगर वह होता तो जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, एक चीज बताओ तुम, बहुत अच्छा सवाल है मेरे दिमाग में आया, कोयला का उत्पादक 2000 में बिहार बटा है, ठीक ना, 2000 में बिहार बटा, मान लिए कि बटा सर, जब बिहार एक था, मतलब झारखंड भी बिहार के साथ था, तो झारखंड में तो कोयले का बहुत उत्पादन होता है, बोलोगे जी सर होता है। और किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है, कोयला है, तुम बोलोगे जी सर कोयला है। तो उस हिसाब से तो बिहार या झारखंड जो आवाज कहो, लेकिन उस वक्त के सम्मिलित बिहार में 2000 ईस्वी तक, जब तक बंटवारा नहीं हुआ, तब तक तो भैया काफी उद्योग बिहार झारखंड में लग जाने चाहिए थे, क्यों नहीं लगे। यूरेनियम है, तुम बोलोगे हाँ सर है, कोयला है तो बोलोगे हाँ है, बॉक्साइड है तो हाँ है, एल्यूमिनियम,
यूरेनियम है, कोयला है, क्यों नहीं उद्योग लगे? ये टेक्निकल चीज जानना, ये सोवरनिटी नहीं था। भारत में जो संघ का निर्माण हुआ उसमें सोवरनिटी नहीं था, ये दूसरा प्रकार का था जिसमें सरकार ध्यान रखे। क्यों? सरकार ने एक नियम बनाया कि भैया आपका कोयला कहीं भी जाएगा आपको कोयला का दाम लेना है, सरकार आपको उसके ढुलाई का दाम देगी। मतलब अगर झारखंड से कोयला निकला और महाराष्ट्र गया तो आप ये नहीं समझिए कि महाराष्ट्र आपसे कोयला खरीद रहा है, भारत सरकार झारखंड से कोयले को महाराष्ट्र भेज रही है। जो दर है सरकारी दर वो सरकार आपको दे रही है। और यही पहला टाइप होता तो क्या होता, झारखंड और बिहार जो उस वक्त के थे वो कहते भैया प्रोडक्ट मेरा है, बजट तो मेरे लगेंगे। अब लोगों को लगता है ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो रहा है, टैक्सेस ज्यादा हो रहे हैं, देना पड़ रहा है, हम लोगों को देना पड़ रहा है। वहां क्या था, महाराष्ट्र में बैठे हुए उद्योगपति को भी तो उतने में मिल रहा है ना, सरकार जाने क्या कर रही है, जो आपका टेंडर है, जो आपका रेट है कोयले का, हमको तो उतना भी मिल रहा है, वो तो पैसे तो सरकार दे रही है, जिसके कारण उद्योग वहीं रह गया। अगर वो सोवरनिटी वर्ड यहाँ होता तो क्या होता, लोग सोचता ये तो काफी महंगा है और कोयला तो प्रमुख स्रोत है तो हम लोग करेंगे क्या, तो चलो उद्योग लगा देते हैं बिहार में। लेकिन यहाँ इस तर्ज पर संघ का गठन नहीं हुआ। एंड जिसमें आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार अपने और राज्य के बीच में सत्ता का बंटवारा की, उसको दूसरा तरीका बोलते हैं, फेडरल गवर्नेंस एस्टेब्लिशमेंट का। और इसी का उदाहरण है भारत, बेल्जियम, स्पेन, ये सब इसके उदाहरण, ये सब जो है ना इसके उदाहरण। फर्स्ट टाइप में जो था फॉर्मेशन में क्या था, राज्यों को पूरी ताकत थी, अमेरिका वगैरह में स्टेट्स के जो है काफी पावरफुल होते हैं, यहां क्या है सेंटर बहुत पावरफुल है, राज्य से ज्यादा ताकतवर कौन है, केंद्र है। देखना है, तुम लोग बड़े हो, टेंथ के हो, इसे चर्चा कर रहे हो, अभी बंगाल में देखो युद्ध चल रहा है, घना युद्ध चल रहा है। दीदी प्रयास भले कर रही है लेकिन केंद्र सरकार यह बताने में चूक नहीं रही है कि शक्तिमान मैं। अभी जो आखिरी समय में रिटायरमेंट हो रहा था, बुलाया जा रहा है, यह पावर का खेल है। अब वो नहीं भी आए हैं तो सो कॉज नोटिस भेजा जा रहा है, उनको जवाब देना है, पेंशन रोक दिया जाएगा, ग्रेजुटी रोक दिया जाएगा, पीएफ रोक दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब इतने धमकियों की बात हो रही है तो आप सरल भाषा में यह समझ सकते हैं कि भारतीय जो संघ है इसकी जो बनावट है इसमें राज्य सरकार से ज्यादा शक्तिशाली कौन है, केंद्र सरकार। राज्य सरकार से ज्यादा शक्तिशाली कौन है, केंद्र सरकार है कि नहीं। यहां जो सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेडरल और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कंट्री या कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्या है कि सभी राज्यों को एक जैसा अधिकार दिया जाता है। हाँ, विशेष परिस्थिति में कुछ राज्यों को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं, अदरवाइज सब एक है। भारत में जितने भी राज्य हैं सभी एक, यह मूल धारणा थी। लेकिन बाद में चल के अब किसी किसी प्रकार की भौगोलिक बनावट, परिदृश्य, स्थिति के आधार पे कुछ राज्यों को में हुआ कि भाई हाँ, सो आवश्यकता के अनुसार कुछ राज्यों को कुछ विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए और उसी को विशेष राज्य का दर्जा। और वो भी मुझे बताने का जरूरत नहीं है, सरकारें आई और सरकारें गई, अभी भी सरकार है। बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये विशेष राज्य अभी देखो, अगर मैं अगर कोई आम पढ़ाई हो रही होती तो इस लाइन को बोल के हम आगे बढ़ जाते। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या है, क्या वो बेनिफिट है, कोई बताओ। तुम लोग पढ़ते हो, मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, कोई बताओ कि व्हाट डू वी मीन बाय कि
स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट, क्या है विशेष राज्य का दर्जा, क्या बेनिफिट है। एक लाइन का कॉन्सेप्ट समझ लो, एक लाइन का। जो टैक्सेस लेने देने का खेल है वो तो केंद्र सरकार आपके साथ खेल रही है कि आप इतने रुपए इस चीज में टैक्स लीजिएगा, इसका टैक्स हम लेंगे, इतना जो आप टैक्स लीजिएगा उसमें इतना आप रखिएगा, इतना हम रखेंगे। अब फिर वो जो कलेक्शन होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो फिर राज्यों को बजट के लिए भेजा जाता है, परियोजनाओं पे खर्च किए जाते हैं ना, परियोजनाओं पे। तो बोलोगे हाँ किए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना, तो अभी जैसे मान लो कि कोई प्रोजेक्ट बना, अब उसमें क्या है, राज्य सरकार ज्यादा पैसा खर्च करेगी, केंद्र सरकार कम देगी। स्पेशल स्टेटस जब हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है कि स्पेशल स्टेटस मतलब उस राज्य को हमको उठा के आगे बढ़ाना है, उस राज्य को हमको उठा के आगे बढ़ाना है। तो उसके कारण क्या हो जाता है कि उसमें सरकार बैकअप देती है, मतलब ज्यादा वो देगी कम आपको लगेगा, और बस ये पैसे का खेल है। वो जो सोर्स, मनी सोर्स है ना, जो केंद्र सरकार हमें दे रही है सारे टैक्सेस लेने के बाद बजट में, तो अभी 100 रुपए का खर्च है तो सरकार कहेगी कि 60 रुपया आप लगाइए, 40 रुपया हम देंगे। अगर वही स्पेशल स्टेटस हो गया तो 60 रुपया सरकार देगी, 40 रुपया आप लगाइए। कई परिस्थितियां तो ऐसी हो जाएंगी कि योजनाएं राज्य में बनेंगी, 90% केंद्र सरकार देगा, मात्र 10% आप लगेंगे। लेकिन वो बेनिफिट्स कब मिलता है, जब आपको स्पेशल स्टेटस मिले। तो ये सामान्यतः नॉर्थ ईस्ट और कुछ विशेष परिस्थिति में जो कुछ कोस्टल एरिया है या कोई इंटरनेशनल लाइन को टच कर रहा है, तो कुछ पैमाना बना के रखा गया कि भैया ये सब योग्य, अगर इस तरह की परिस्थिति है तभी आपको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन हम लोगों को कोई मतलब है नहीं, कभी बाल काट कर भेज देते हैं केंद्र सरकार को, कभी पत्र लिखना शुरू कर देते हैं। हमें इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि विशेष राज्य का दर्जा, अगर आपके किताब में भी है कि हाँ भाई कुछ परिस्थिति में कुछ राज्यों को विशेषाधिकार दिए जाते हैं, तो जब ये शब्द आया कि विशेष राज्य का दर्जा, तो हमको ये समझना होगा ना कि विशेष राज्य का दर्जा देने के पीछे आखिर कोई मानक है या सरकार जब चाहेगी किसी को दे देगी। तो जवाब है नहीं, पैरामीटर्स हैं ऑन विच वी हैव टू फॉलो, और उस पर सरकार काम करती है कि यू आर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया और नॉट, एंड देन ओनली दे विल टेक डिसीजन दैट दैट स्टेट इज एप्लीकेबल फॉर गेटिंग स्पेशल स्टेटस और नॉट। दिस वन इज द फैक्ट, व्हाट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। ये चीज आपको दिमाग में रखने की आवश्यकता है। इन माई नेक्स्ट सेशन, कमिंग अप सेशन, वी विल स्टार्ट डिस्कशन, वी विल स्टार्ट डिस्कशन ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। वी विल स्टार्ट डिस्कशन ओवर दिस point. Thank you.